हाँ आप सुनो, ये चैप्टर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, डेरिवेबिलिटी, जिनने पिछला चैप्टर कहा डेरिवेबिलिटी। डेरिवेबिलिटी में हमने केवल ये देखा कि हैज द फंक्शन एबिलिटी टू हैव अ डेरिवेटिव और नॉट। केवल हमने काबिलियत चेक की कि क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अब हम ये तो जान गए कि कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब हम जवाब देने जा रहे हैं कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो कैसे निकलेगा वो डेरिवेटिव। यहां पर एक शब्द है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस का नाम है। किसका नाम है? प्रोसेस का। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है और हम निकालना चाहते हैं उसका डेरिवेटिव। ये तो है फंक्शन, मैंने उस समय भी समझाया था, और ये है फंक्शन का डेरिवेटिव, जो कि को डिनोट करते हैं किससे, एफ डैश एक्स से। सो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस विच गिव्स अस द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। भाई हमको ये तो हमने डेरिवेबिलिटी चेक कर ली, हमको ये तो पता लगाना आ गया कि किसका डेरिवेटिव होगा और किसका डेरिवेटिव नहीं होगा। ठीक है, चलो एक काम खत्म हुआ। अब हम जान गए किसका डेरिवेटिव होगा और किसका डेरिवेटिव नहीं होगा। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर जिसका डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे कैसे। तो किसी भी चीज का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? बाय डिफरेंशिएशन, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं। उसी डिफरेंशिएशन के मेथड्स अपन इस चैप्टर में सीखेंगे। बिल्कुल ध्यान सुने, डिफरेंशिएट करने के दो ही मेथड्स हैं। कितने मेथड हैं? दो बस। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के केवल दो ही मेथड्स हैं। बिल्कुल ध्यान देखें, ओनली टू मेथड्स। इस चैप्टर में हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे हाउ टू ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, और ज्यादा मेथड नहीं है। कितने मेथड है? दो ही मेथड है भैया। पहला है मेथड वन, बोर्ड पर देखते रहे। मेथड वन कहता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स, या इसी मेथड को ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हैं। बिल्कुल ध्यान देखें, इसी मेथड को ए बी इनिशियो मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। बिल्कुल ध्यान देखें, बिल्कुल ध्यान देखें, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स ए बी इनिशियो मेथड मतलब बिल्कुल एलिमेंट्री मेथड है। हम लोग जानते हैं कि अगर एलएचडी आरएचडी बराबर है तो वही आपका डेरिवेटिव होता है। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वैसे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, लेकिन बराबर होती है तो उसी को हम लिमिट कह देते हैं। वैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों बराबर होगा तो वही चीज क्या कहलाएगी? डेरिवेटिव। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। अब सुनो, जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लीज सुनना, दो बातें बोलनी है, जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बिल्कुल फंडामेंटली बिल्कुल बेसिक से इस प्रकार से लिमिट निकाल के करते हैं, जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बिल्कुल फंडामेंटली इस प्रकार से लिमिट निकाल के करते हैं तो वो कहलाता है कैलकुलेशन ऑफ डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स, वो कहलाता है कैलकुलेशन ऑफ डेरिवेटिव बाय ए बी इनिशियो मेथड। पहली बात, दो बातें बोलनी है, फिर सुनो। जब भी कोई आदमी बोले कि इसका डेरिवेटिव आप फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालिए, इसका डेरिवेटिव ए बी इनिशियो मेथड से निकालिए, तो इसका मतलब होता है कैलकुलेट द डेरिवेटिव फंडामेंटली। आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव बिल्कुल फंडामेंटली लिमिट से कैलकुलेट करना है। जब आप इस फॉर्मूले की मदद से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो दैट इज नोन एज कैलकुलेशन ऑफ डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बात समझ में आ गई? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब मैं एलएचडी आरएचडी पढ़ा रहा था और पूरे डेरिवेबिलिटी के चैप्टर में जब भी मैं लिमिट लिखता था तो बिल्कुल ध्यान से आपका ध्यान दिलवाता था और खुद भी लिखता था जीरो प्लस या जीरो माइनस। याद करो एलएचडी आरएचडी दोनों में डिटेल समझा। यहां पर जीरो प्लस या जीरो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, यहां प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा। अब सुनो ऐसा क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा? जब एलएचडी आरएचडी बराबर होंगे। अब अगर मैं आपसे कह देता हूं, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि यार ये फंक्शन डेरिवेबल है, यानी मैंने आपसे कह दिया कि हर जगह एलएचडी आरएचडी बराबर है। अब हर जगह अगर एलएचडी आरएचडी बराबर है तो चाहे आप एलएचडी कैलकुलेट कर दो चाहे आरएचडी कैलकुलेट, भाई आपका आंसर है। तो यहां पर अगर जीरो प्लस करोगे तो ऑटोमेटिकली आरएचडी बन जाएगा,
और जीरो माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये एल एच डी बन जाएगा, लेकिन दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों बराबर हैं, इसलिए कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान रखना एल एच डी आर एच डी में इस बात की मजबूरी थी जीरो प्लस या जीरो माइनस लगाना था, क्योंकि आप वन साइडेड कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन यहां पर आप किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, जो डेरिवेबल फंक्शन है। अगर वो डेरिवेबल फंक्शन है तो एल एच डी आर एच डी ऑलरेडी बराबर है, बराबर है तो चाहे जीरो प्लस से निकालो चाहे जीरो माइनस से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों बराबर है। क्या बात समझ में आई से बच्चों को, क्या बात समझ में आई से बच्चों को, बिल्कुल क्लियर है। आइए फर्स्ट प्रिंसिपल से एक दो चुटकुले क्वेश्चन किए जाएं। जैसे सबसे पहले एक लल्लू क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यदि साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कैसे निकालेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स होल अपॉन एच। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा, यही परिभाषा है। ये चीज आ गई लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू होल अपॉन एच। बोलो हाँ गुरु जी, टू से डिवाइड कर देता हूं, टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, साइन जीरो अपॉन सेम जीरो वन, टू से टू कट गया, एच को जीरो रख दो तो बन गया कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर है, कॉस एक्स। ये तो चुटकुला था, और तो भारी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मेरे मन में इच्छा उमड़ रही है कि गुरु जी अरे मजाक मत करो, आईटी की तैयारी करवा रहे हो, अच्छा क्वेश्चन लो, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं। लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव। देखो आप लिमिट में एक्सपर्ट हो चुके हो, लिमिट पारंगत हो चुके हो, और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, लिमिट ही तो निकालनी है आपको, सब प्रकार की लिमिट निकालनी आती है। चलो इसको देखते हैं, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, चलो खेलते हैं। तो ये बन जाएगा एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ये कितना बनेगा बेटे, एक्स प्लस एच की पावर एक्स प्लस एच माइनस एक्स की पावर एक्स होल अपॉन एच। भाई एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब जहां जहां एक्स है सब जगह एक्स प्लस एच रख दीजिए, कोई दिक्कत, ये अभी सिर्फ लिखा है इसको, कोई दिक्कत। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर बेस और पावर दोनों में वेरिएबल होता था तो मैंने क्या बताया था, ई की पावर में कन्वर्ट कर लो। अगर बेस और पावर दोनों में वेरिएबल होता था तो मैंने क्या बोला था, ई की पावर में कन्वर्ट कर लो। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा, ऐसे मौके पर बच्चे भूल जाते हैं अक्सर। क्या एच अप्रोचेस जीरो, इसको कन्वर्ट करेंगे ई की पावर में, तो ई की पावर एक्स प्लस एच इंटू एल एन एक्स प्लस एच, बोलो हाँ गुरु जी, माइनस ई की पावर एक्स एल एन एक्स होल अपॉन एच। ई की पावर एक्स एल एन एक्स में कॉमन ले रहा हूं, ई की पावर एक्स एल एन एक्स कॉमन लेता हूं, यहां कर रहा हूं, ध्यान देखें। तो लिमिट एच अप्रोचेस जीरो ई की पावर एक्स एल एन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा ई की पावर में एक्स प्लस एच एल एन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स एल एन एक्स माइनस वन होल अपॉन एच। क्या आपकी आंखें भी वही देख रही हैं जो मेरी आंखें देख रही हैं, ई की पावर में जो क्वांटिटी लिखी हुई है, आइए रंग बिरंगी चौक का इस्तेमाल कर ले, ई की पावर में जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये क्वांटिटी देखो जीरो जा रही है, अगर एच जीरो जाएगा तो ई की पावर में क्वांटिटी क्या जाएगी, जीरो। तो सेम जी, अब इतना सारा लिख नहीं रहा मैं, बहुत बार लिख चुके हैं लिमिट में, सेम जीरो से डिवाइड कर लेंगे और सेम जीरो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही करते हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे। ई की पावर जीरो माइनस वन अपॉन सेम जीरो वन, और इसमें तो कोई वेरिएबल है नहीं तो इसको बाहर निकाल लो, इसको बाहर निकालूंगा तो एक्स की पावर एक्स बाहर आ जाएगा, कोई वेरिएबल है नहीं, लिमिट किस पर लगी है, एच पर लगी है, क्या बचेगा, सेम जीरो अपॉन एच बचेगा। सेम जीरो का मतलब बेटे एक्स प्लस एच इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स एल एन एक्स अपॉन एच। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, चिंता, चिड़चिड़ापन, इधर देखो एक्स की पावर एक्स लिमिट एच अप्रोचेस जीरो खोल दीजिए एक्स एल एन एक्स प्लस एच प्लस एच एल एन एक्स प्लस एच माइनस एक्स एल एन एक्स अपॉन एच। प्लीज देखिए लिमिट निकलने आ रही है भैया, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एक्स एल एन एक्स प्लस एच दिख रहा है, माइनस एक्स एल एन एक्स दिख रहा है, दोनों में से एक्स को कॉमन ले लो और एल एन ए माइनस एल एन बी एल एन ए बाई बी, तो एल एन ऑफ
वन प्लस एच बाई एक्स। बोलो हाँ गुरु जी, बोल दो। और यहां एच से एच कट जाएगा, ये अलग से पड़ा पड़ा हंस रहा है, एल एन एक्स प्लस एच। आजकल तो प्ले ग्रुप में चल रहा है ये सब। x से डिवाइड कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, एल एन वन प्लस जीरो अपॉन सेम जीरो वन, एक्स एक्स कट जाएगा, यहां एच को जीरो रख देंगे, तो ये आ गया एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस एल एन एक्स। समझ में आया पूरा क्वेश्चन? अब ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन एक से एक गंदे होंगे, तो हर क्वेश्चन का या हर फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं निकालेंगे। तो मेथड वन तो ये रहा, मेथड टू देखेंगे। पहले बताओ फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आया सब बच्चों को? कोई दिक्कत? कॉपी कर लो। हाँ देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन को डिफरेंशिएशन आ गया, तो जितने भी एलिमेंट्री फंक्शन है अपन उनकी डेरिवेटिव की लिस्ट बना लेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से। बोर्ड पर देखें, लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एलिमेंटरी फंक्शंस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब अपन को फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी का भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आ गया, तो अपन लिस्ट बना लेते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्री फंक्शन है, आज उनकी लिस्ट बना लें। सबसे पहले अपन एल्जेब्रिक फंक्शन ही बनाते हैं। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा? जीरो। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए। एल्जेब्रिक फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए। आइए लॉगरिथमिक फंक्शन देखें, एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखें, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। देखो जिनका भी नाम कोसे शुरू होता है उन सबके डेरिवेटिव के आगे माइनस साइन आता है, जिनका भी नाम को से शुरू होता है वो सारे डिक्रीजिंग होते हैं। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव बताता ही है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, बाद में देखेंगे। जिनका भी नाम को से शुरू होता है उन सबके डेरिवेटिव के आगे माइनस साइन आता है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखें, यही देख लो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, याद होना चाहिए बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें, कहते गाड़ी पहुंची, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन मॉड एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन मॉड एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। केवल इतने ही एलिमेंट्री फंक्शन है, केवल इतने ही एलिमेंट्री फंक्शन है। यहां पर मैं तीन इंपॉर्टेंट बातें बोलना चाहूंगा, आप इन तीनों पर प्लीज ध्यान देना, सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात, एलिमेंट्री फंक्शन बस इतने ही है, ट्रिग्नोमेट्री हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गए, एल्जेब्रिक हो गए, एक्सपोनेंशियल हो गए, लॉगरिथमिक हो गए। ये तीन बातें जो मैं बोलने जा रहा हूं, इन तीन बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, पीस वाइज फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्टली हो ही नहीं सकता। आप फंक्शन को तभी डिफरेंशिएट करोगे जब उसके अंदर से पीस वाइज फंक्शन गायब हो चुका हो, यानी पहले डिफाइन करोगे, पीस वाइज को गायब करोगे और फिर डिफरेंशिएशन की बात करोगे। ये बात मैंने आपको लिमिट के वक्त भी बोली थी, चाहे लिमिट निकालनी हो, चाहे कंटिन्यूटी की बात हो, चाहे डेरिवेबिलिटी की बात हो, चाहे डिफरेंशिएशन की बात हो, चाहे इंटीग्रेशन की बात हो, कोई भी ऑपरेशन की बात हो, कैलकुलस में कुछ भी करना हो, तो फंक्शन के अंदर कोई भी पीस वाइज नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन के अंदर पीस वाइज है तो पहले आप डिफाइन करके उसको गायब करेंगे, जब वो गायब होगा तभी उस पर कोई ना कोई कैलकुलस की एप्लीकेशन, लिमिट, कंटिन्यू, डेरिवेबिलिटी, डिफरेंट, इंटीग्रेशन लगेगा। इसीलिए आप देखो कि इस एलिमेंट्री लिस्ट में कोई भी पीस वाइज फंक्शन नहीं है। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, ऑल्दो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई है, फिर भी सुन लो, अगर फंक्शन के अंदर कोई पीस वाइज है
तो आप डिफरेंशिएशन साइड में रखिए, पहले डिफाइन करके उस पीस वाइज को गायब करिए, पहले डिफाइन करके उस पीस वाइज को गायब करिए, जब वो पीस वाइज गायब हो जाएगा तब बात करेंगे उसको डिफरेंशिएट करने की। तीन बातें बोलनी थी, क्या पहली बात ये समझ में आई? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी, इन बातों को सुनो, बहुत जगह गड़बड़ कर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, पूरे कैलकुलस के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, पूरे कैलकुलस के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, उनमें एंगल रेडियंस में ही होते हैं। साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डिग्री नहीं होगा, कुछ और होगा, पता नहीं क्या होगा। ये साइन एक्स का डेरिवेटिव जो आप कॉस एक्स कह रहे हो, साइन का इनपुट तो एंगल ही है, उस एंगल की कोई ना कोई मेजरमेंट यूनिट होगी। इन होल कैलकुलस एवरी फॉर्मूला दैट यू स्टडी इफ इट इन्वॉल्व्स एंगल, अगर उसमें एंगल है तो एंगल मस्ट बी इन रेडियन। कैलकुलस की इंजीनियरिंग यूनिट एंगल की क्या है? रेडियन। ये मैं यहां पर बिल्कुल बता देता हूं आपको। अब साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो थोड़ी देर में बता दूंगा आपको, लेकिन ध्यान रखें ये जो फॉर्मूले लिखे गए, छह फॉर्मूले, इनमें एंगल्स किस में है? रेडियंस में। इधर अपन बोलते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया, इसमें एंगल किस में है? रेडियंस में। मैंने लिख भी दिया ऑल एंगल्स इन रेडियंस। फिर बता देता हूं कैलकुलस के अंदर कहीं पर भी किसी भी फॉर्मूले में अगर एंगल इन्वॉल्व है तो एंगल रेडियन में है, इंजीनियरिंग यूनिट रेडियन ही है। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? तीसरी, जिस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, चलो सारे एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव हम जान गए, तीसरी बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, सारे एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव हम जान गए, लेकिन भाई ये एलिमेंट्री फंक्शन अकेले तो आएंगे नहीं, ये एडिशन में आएंगे, मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, डिवीजन में आएंगे, पावर में आएंगे, लॉग के अंदर आएंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन बन के आएंगे। तो ये एलिमेंट्री फंक्शन कभी भी अकेले नहीं आएंगे, तो हम इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? डायरेक्टली तो अकेले अकेले मिलने नहीं वाले, इनको कंबाइन करके कुछ नया फंक्शन बनाया जाएगा। तो हम उनको डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे मेथड टू, एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। कॉपी करो तो बताऊं, एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, कॉपी करिए। अब सुनो सब बच्चे, मेथड टू, दूसरा मेथड देखो भाई, सारे एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव जान गए आप, अब कोई ऐसा फंक्शन तो बचा नहीं जिसका डेरिवेटिव आपको आता ना हो। नाउ यू नो द डेरिवेटिव ऑफ ऑल द एलिमेंट्री फंक्शंस। अब दूसरा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। सोचो अगर आपको सारे एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव आता है और उनको जैसे जैसे कंबाइन कर सकते हैं, हर कॉम्बिनेशन का भी डेरिवेटिव आता है, तो ब्रह्मांड में हर फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको सारे एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, आओ उनको जैसे जैसे कंबाइन किया जा सकता है, जैसे जैसे जोड़ा घटाया जा सकता है, आओ सबका डिफरेंशिएशन अपन देखें। सबसे पहले रिजल्ट वन देखो, सात रिजल्ट है, सेवन रिजल्ट आ गए। पहला, अगर दो फंक्शन जुड़ या घट रहे हो तो उनका डेरिवेटिव हो जाएगा दोनों का इंडिविजुअल डेरिवेटिव को जोड़ के या घटा के। ले लीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम खत्म हो गया। रिजल्ट टू, अगर कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या करोगे? कांस्टेंट को बाहर निकाल के आप उसको डिफरेंशिएट कर दो। रिजल्ट थ्री, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लीकेशन वाला काम खत्म हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन खत्म हो गया। सोचो सोचो मनी मन सोचो, आपको हर एक एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव आता है और जैसे जैसे मैं इनको कंबाइन कर सकता हूं फंक्शंस को, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पावर फंक्शन ऑफ फंक्शन लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे, उन सारे कॉम्बिनेशन का भी डेरिवेटिव आ गया, तो फिर आप हर ब्रह्मांड हर फंक्शन को कर सकते हो डिफरेंशिएट। क्या ये समझ में आया बच्चों को? प्रोडक्ट रूल देखो, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो इनका डेरिवेटिव होगा पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव। इस चीज को ऐसे भी लिखते हैं कि f इंटू जी का डेरिवेटिव होगा f का डेरिवेटिव इंटू जी प्लस f इंटू जी का डेरिवेटिव। एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करते हैं? एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। मान लो तीन फंक्शन आ गए f इंटू जी इंटू एच, तो इनका डेरिवेटिव होगा f का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज प्लस
g का डेरिवेटिव बाकी है एज इट इज प्लस h का डेरिवेटिव बाकी है एज इट इज. समझ में आया बच्चों को, ये हो गया प्रोडक्ट रूल सिंपल सा. समझ में आया, सात ही रूल है क्योंकि सात तरीके से कंबाइन कर सकते हो. क्या क्या कर सकते हो, दो फंक्शन साथ एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो और क्या डिवाइड कर सकते हो. खुद सोचो, खुद सोचो. रिजल्ट फोर. आ यहां पर पढ़े क्वेश्चन रूल, बिल्कुल ध्यान देखें. अगर u बाई वी एफ बाई जी जो भी कहना चाहते हैं, f बाई जी का डेरिवेटिव होगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव इंटू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर. आमतौर पर किताबों में u बाई वी से दे रखा होता है, तो u बाई वी का डेरिवेटिव होगा u का डेरिवेटिव इंटू वी माइनस वी का डेरिवेटिव इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर. एक ही चीज है, समझ में आ गया. दिस इज क्वेश्चन रूल. और कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हो, सोचो ना. एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फाइव सिक्स सेवन सात. पावर रूल. आइए पावर रूल बताऊं मैं आपको. अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की पावर आ जाए, एफ की पावर जी, तो इसका डेरिवेटिव होता है ओरिजिनल फंक्शन पावर का डेरिवेटिव एलएन बेस प्लस पावर अपॉन बेस इनटू बेस का डेरिवेटिव. इसको याद रखने का ज्यादा अच्छा तरीका है कि बी और पी की तरह लिखो, एक बेस होगा एक पावर होगा, तो इसका डेरिवेटिव होता है ओरिजिनल फंक्शन पावर का डेरिवेटिव एलएन बेस प्लस पावर अपॉन बेस इनटू बेस का डेरिवेटिव. ये कैसे आएगा भी बताऊंगा, टेंशन मत लो. जैसे मान लो कोई आपसे बोले, अभी हमने बड़ा भयानक क्वेश्चन किया, इतनी मेहनत की, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है. अब तो चुटकी बजाने से भी आसान है. एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ओरिजिनल फंक्शन पावर का डेरिवेटिव एलएन बेस प्लस पावर अपॉन बेस इंटू बेस का डेरिवेटिव. अरे गंदे गंदे क्वेश्चन ले लो, साइन एक्स की पावर एलएन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, ओरिजिनल फंक्शन इंटू पावर का डेरिवेटिव एलएन बेस प्लस पावर अपॉन बेस इंटू बेस का डेरिवेटिव. ये कैसे आया ये रिजल्ट मैं बताऊंगा अभी, अभी पहले नियम बता रहा हूं. क्या समझ में आया. अब और कोई अंदर फंक्शन ले लो, जैसे मान लो आ जाए क्वेश्चन के नाम पर, मान लो आ जाए साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, ओरिजिनल फंक्शन इंटू पावर का डेरिवेटिव इंटू एलएन बेस प्लस पावर अपॉन बेस इंटू बेस का डेरिवेटिव. कॉपी करो, दो रिजल्ट बता दे. रिजल्ट सिक्स देखो. सोचो दो फंक्शन अगर गिवन है तो और क्या कर सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन. बोर्ड पर देखिए, कंपोजिट फंक्शन, इसी को चेन रूल भी कहा जाता है. तो चेन रूल सुनते हैं, वो बेसिकली कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए होता है. कैसे, बोर्ड पर देखिए. जैसे एफ ऑफ जी एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकल के आएगा बाहर वाले के डेरिवेटिव से शुरू करेंगे, एफ को डिफरेंशिएट कर दीजिए अंदर वाला एज इट इज, अब जी को डिफरेंशिएट कर दीजिए अंदर वाला एज इट इज. मान ली तीन तीन कंपोजिट आ जाए, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स आ जाए और इस पूरे का डेरिवेटिव, तो बाहर वाले का डेरिवेटिव अंदर वाला सेम इंटू जी का डेरिवेटिव अंदर वाला सेम इंटू एच का डेरिवेटिव. आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, थोड़ा और बेटर लगेगा. जैसे मान लीजिए साइन ऑफ एल एन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो दो फंक्शन का कंपोजिट है साइन एक्स और एल एन एक्स. अब बाहर से शुरू करो, अंदर भूल जाओ क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन एल एन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एल एन एक्स. देखो एफ का इनपुट यहां पर भी जी एक्स है, तो एफ के डेरिवेटिव में इनपुट जी एक्स ही रहता है. साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो साइन एल एन एक्स का कॉस अंदर एल एन एक्स इंटू साइन का काम हो गया, भूल जाइए अंदर आ जाइए, एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स. आए थोड़ा लंबा चौड़ा फंक्शन ले, बोर्ड पर देखें. जैसे साइन ऑफ
लेट्स टेक e की पावर में tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव. तो तीन तीन फंक्शन है, पहले साइन है, फिर e की पावर x, अंत में tan स्क्वायर x. साइन x का डेरिवेटिव cos, अंदर वाला सेम, तो आ जाएगा साइन का cos, तो cos e की पावर tan स्क्वायर x, ये हो गया. e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो सेम ही दिखेगा, e की पावर tan स्क्वायर x. अब tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव, अब tan स्क्वायर को समझो, ये भी फंक्शन और फंक्शन की तरह है. tan स्क्वायर x की अगर x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये 2 tan x into tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. बाहर से अंदर की ओर चले, रुको और दो तीन क्वेश्चन देखो. जैसे आ जाइए sin स्क्वायर ऑफ, लेट्स टेक tan x, इसका डेरिवेटिव सबसे बाहर कौन है, होल स्क्वायर. सबसे बाहर कौन दिखेगा, होल स्क्वायर. होल स्क्वायर किसका, साइन. साइन किसका, टेन का. तो होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो साइन का डेरिवेटिव 2 साइन ऑफ टेन एक्स. स्क्वायर का काम खत्म, उसके बाद किसकी बज्जी आएगी, साइन की. साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ tan x. साइन का काम खत्म, tan x. tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर. ऐसे कौन एक्स चलेगा, बोर्ड पर घूरते रहो दो मिनट. मान लीजिए e की पावर ऑफ साइन ऑफ ln x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव. आइए e की पावर में होल स्क्वायर है, सबसे पहले कौन दिखेगा, e. e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर, तो यहां आ जाएगा e की पावर साइन स्क्वायर एल एन एक्स इंटू, अब स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 इंटू साइन ऑफ एल एन एक्स. साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस ऑफ एल एन एक्स. एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x. समझ में आ रहा है. मान लीजिए आपसे पूछे साइन ऑफ एल एन ऑफ टेन ऑफ ई की पावर, तो बहुत सीधा है, खैर इसका डेरिवेटिव. साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस ऑफ एल एन ऑफ टेन ऑफ ई की पावर एक्स. साइन का एल एन, एल एन का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/tan e की पावर x. टेन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, sec स्क्वायर e की पावर इंटू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x. इस प्रकार से बाहर से अंदर की ओर चलेंगे. इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, यानी dy by dt into dt by dw into dw by dx and so on, कितने भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ये कट कुटा के अल्टीमेटली dy by dx आएगा. ये चेन रूल लिखा गया है, इस चीज को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है. क्या चेन रूल समझ में आया, बच्चों को समझ में आया, फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन कैसे डील करना है, प्लीज कॉपी कर लें.